है, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उस चीज़ को करवाने के लिए हमें अंदर से प्रेरित करता है, क्योंकि वो चीज़ होने से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के शेयर आपके पास मेरे पास हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स, और आज बात करेंगे सर फिर से वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर 5G और फंड वाली न्यूज का हम सबको वेट कर रहे हैं हम। और इसी तरीके से कई बार आपको पहले भी पुणे और दिल्ली में 5G स्टार्ट होते हुए चीज़ें वाली न्यूज़ देखने को भी मिली, पर उसकी कुछ भी चीज़ें अलग तरीक़ों से हमारे सामने निकल कर नहीं आई है। देखो सर, जब कोई चीज़ होने वाली होती है तो हमारा मन, हमारा माइंड जो है, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उस चीज़ को करवाने के लिए हमें अंदर से प्रेरित करता है, क्योंकि वो चीज़ होने से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के शेयर आपके पास मेरे पास हो सकते हैं, और अगर उसके अंदर कुछ उज्ज्वलता बढ़िया न्यूज आ जाए तो उसकी वजह से हम उस चीज़ को कैलकुलेशन करने लग जाएंगे जितने शेयर हमारे पास होंगे। और काफ़ी लोग 5G की लॉन्च की स्थिति और फंड की स्थिति के वेट कर रहे हैं, और उनमें से काफ़ी लोग इस स्थिति में भी है कि उनके ये शेयर काफ़ी गुना हो जाएंगे, और अगर ये चीज़ हुई, और ये चीज़ें आपको पिछले एक साल से देखने को मिल रही है। तो सर, जब कुछ चीज़ होगी तो कंपनी के अंदरूनी लोग ही हमें बताएंगे न्यूज़ के द्वारा, या फिर अच्छे अच्छे चैनलों पर वो न्यूज़ आएगी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर 5G, जैसे वैसे सिम तो बट रहे हैं ये तो मुझे पता है, अगर 5G कंपनी लॉन्च करेगी तो क्या वो चुपचाप से करके हमें नहीं बताएगी? वो तो सबके सामने आएगा ना भाई, आपके नेटवर्क में 5G दिख जाएगा। जियो एयरटेल ने 5G लॉन्च किया, छोटी सी बात समझो, उससे पहले बता रहे थे वो करेंगे, और उन्होंने किया क्या? उन्होंने चुपचाप कर दिया, शांति से कर दिया? नहीं, जो चीज अच्छी है, जिसका इंतजार सबको है, वो आसानी से शांति से कैसे हो जाएगी? आपके पास 5G का मोबाइल है और किसी भी नेटवर्क में 5G नहीं है, और कोई कंपनी के हम 5G ला रहे हैं और ले आए, तो आप तुरंत उसका सिम ले लोगे। साइकोलॉजी कहती है ये, क्यों? क्योंकि आप उसका वेट कर रहे थे। जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है किसी भी कंपनी की, उसकी जो बुकिंग पहले से एडवांस होती है, और जिस व्यक्ति ने उसकी बुकिंग कराने के सपने, उस कार को लेने के सपने देखे और बुकिंग करा रखी है, और जब वो डिलीवरी का टाइम आकर उनके पास कॉल या कुछ चीज़ होती है मैसेज के द्वारा, तो वो तुरंत उसको लेने भागता है। और अगर वो कंपनी उस गाड़ी को लॉन्च कर रही है, क्या वो चुपचाप कर देगी? जिसने पहले बुकिंग कर रखी है वो, उसको मिलेगा नहीं वो चीज़ें? सर, ये चीज़ें जो होती हैं, ये एक कंपनी का निखार कर रही है। छोटी सी सोच है, 5G आने से वोडाफोन आइडिया को पे निखार आएगा, फंड आने से वोडाफोन आइडिया को और अच्छी क्षमता के साथ वर्क करने को मिलेगा। तो वो रणनीति हमें समझ कर चलनी है। हम सबको वोडाफोन आइडिया अच्छी लगता है, ये अच्छी बात है, पर हमारे पास शेयर है, ये भी अच्छी बात है, उसी शेयर में बहुत अच्छा 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 हो जाए, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो कंपनी करेगी। तो ज़्यादा उतावलापन वोडाफोन आइडिया में, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा खर्चा, सरकार ज़्यादा स्टेक लेकर बैठी है, और अलग अलग रणनीतियों से न्यूज आती रहती है। निखार 5G फंड से ही होगा, और वो कोई अच्छी स्थितियों वाली न्यूज हो, ये नहीं कि कोई भी आपको बताए 5G आ गया, किसी चैनल पर आप देख लो यूट्यूब में, कोई कहते 5G हो गया जी लॉन्च, और हम खरीद लें उसे। क्या मकसद इस चीज़ से? सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा लड़का ही है, मैं आपको बताऊं, वो गलत काम कर दिया उसने, मतलब कि किसी को मार के आ गया घर पे, कुछ किसी की चोरी कर ली, और मुझे पता लग गया कि मेरे लड़के ने वो चीज़ें की हैं। मैं अपने असूलों की बात बता रहा हूँ, मैं वहाँ अपने लड़के को फिर जो भी सज़ा सरकार या कोई भी दे, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। मैं ये तो आपको एक अपनी अंदरूनी चीज़ बताई। इसी तरीके से जब कोई शेयर मेरे पास है, उसके अंदर निगेटिव हो गया, चाहे मेरे सारे सारे ख़राब हो जाए, और उसमें निगेटिव चीज़ आ गई है, न्यूज़ आ रही है, तो मैं उसे अच्छा नहीं समझ सकता कभी भी। ये रणनीति से शेयर मार्केट में काम होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सर, मेरे पास कॉल आती हैं कि सर ये न्यूज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मैं कह रहा सर उतावलापन छोड़ दो, जिस दिन उतावलापन छोड़ दें, और भी अच्छे अच्छे शेयर हैं जो हमारे हाथों से इन चक्रों में निकल रहे हैं कि 5G आ गया, फंड आ गया।
तो जब हमारे कुमार मंगलम जी ने ज्वाइन किया है तो वो कुछ रणनीतियों के साथ करेंगे। दिसंबर में जो फंड की चीज़ें होने वाली थी उसके अंदर भी न्यूज है कि वो पूरी होने के जोखिम में, यानी कि वो अभी नहीं होगी, बाद में हो सकती है। तो सारी न्यूज आपके सामने, तो फिर क्यों आप किसी के चक्रों में पड़ रहे हो? सच्ची वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि कुछ लोग नाराज़ हो जाएं, मैं कहता हूँ हो जाए नाराज़, क्योंकि उनको फिर बाद में तो पता लग जाए कि भाई सच्चाई क्या थी। तो उज्ज्वलता हो या गिरावट हो, दोनों स्थितियों को आपको सबसे पहले किसी को नहीं समझाना, खुद को समझाओ। तो वोडाफोन आइडिया में ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फिर से 5G की जो न्यूज़ उछल रही है, अभी तक वो मुझे तो देखने को नहीं मिली। अगर होगी तो बहुत बढ़िया है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि वो न्यूज़ सही नहीं है, क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो अच्छी तरीके से हो ना, फिर कुमार मंगलम जी बताएं, है ना, न्यूज़ अच्छी अच्छी बताएं। तो जब उसकी पुष्टि ना हो उससे पहले आपको अपने मन पर काबू करना पड़ेगा। सर मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको इलेक्शन से संबंधित शेयरों के बारे में रणनीति देखने को मिलेगी। यस बैंक और अशोक लीलैंड में अब क्या होगा इसकी रणनीति देखने को उस चैनल पर मिलेगी जिसका नाम है सार्थक बाजार से। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई सा भी शेयर हमारे पास हो, सच्चाई की तरफ वो अच्छा काम करे, उस पर विश्वास कीजिए। और कोई भी चीज़ आपको गुमराह कर रही है, सबसे पहले उस न्यूज़ को परखिए, प्रूफ कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को लाइफ में और शेयर मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये पैसों का मसला है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।